कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। वहीं बर्बर घटना के बाद अब अस्पताल में भीड़ के हमले और तोड़फोड़ से भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बैनर्जी सरकार की जमकर आलोचना भी की जा रही है। यहाँ तक कि टीएमसी के अंदर भी मामले को लेकर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी रेप और हत्या की बर्बर घटना के ऊपर एक्शन मोड में हैं। राज्यपाल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। ऐसे में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन में भी कयास तेज लगाए जा रहे हैं। अब नजर इस पर रहेगी कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस क्या रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मामले को लेकर 3 रिपोर्ट मांगी गई थी, हालांकि अब तक एक ही रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि ये मामला पूरे समाज के लिए कलंक है और लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अब समाज डरा हुआ है और सरकार इस संभाल नहीं पा रही है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, जबकि इसको लेकर राज्यपाल से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मांग तो मांग ही होती है, जो भी फैसला लिया जाएगा सोच समझ कर और राज्य के हित में ही लिया जाएगा। बर्बर घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच भी आज सुनवाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 3 पत्र याचिकाएं दायर कर कहा गया कि CJI को मामले में स्वतः संज्ञान लेना जरूरी आदेश देना चाहिए। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी CBI शिकंजा कस रही है। उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया। CBI ने 3 दिन संदीप घोष से पूछताछ की और आरोप ये भी है कि घटना के बाद उन्होंने कर्मचारियों के साथ मीटिंग की और इस पर किसी तरह पर्दा डालने का प्लान बनाया। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या की गई। इस मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, जो कि ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर था। आरोपी का साइक्लोनिकल टेस्ट भी किया गया। वहीं पुलिस जब मामले को हैंडल नहीं कर पाई तो ये केस CBI को सौंप दिया गया है और हाथरस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों को इसका जिम्मा दिया गया। CBI अब तक 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, तो वहीं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 36 घंटे पूछताछ हुई। घटना के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। RG अस्पताल में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। वहीं देश भर में मामले को लेकर आक्रोश है और डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर OPD बंद कर दी गई हैं। तो वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने सरकार से 5 मांगे रखी हैं, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाना शामिल। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।